ये साथ के सभी लोंडे अपना बैग वैग सही करते हुए और गाइस रुद्रप्रयाग की बस कंफर्म हो गई है। गाइस हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार से रुद्रप्रयाग के लिए, लगभग हमने ऋषिकेश पार कर दिया है और अब सुबह के 7:30 बज रहे हैं। नेचुरल ब्यूटी दिन निकल गया है तो नेचुरल ब्यूटी दिखना शुरू हो गई है। आई लव उत्तराखंड। हाईवे है केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे। दोस्तों यह है संगम, यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल रही है। लगभग हरिद्वार से हम 3 से 3.5-4 घंटे का सफ़र करके यहाँ पर आ गए हैं देवप्रयाग में और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो गाइस हम लोग आ गए हैं लगभग 3 से 4 घंटे का ट्रैवल करके हरिद्वार से देवप्रयाग और अभी आपको नीचे चलकर देवप्रयाग का नज़ारा दिखाते हैं, संगम दिखाते हैं। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये एक तरफ अलकनंदा और एक तरफ भागीरथी मिल रही है। जय गंगा मैया। गाइस संगम देखने के बाद हम लोगों को लगी बहुत जोर की भूख और हम सारे भाई आ गए इधर नाश्ता करने जहाँ बस रुकी थी। भाई लोग चाय का लुत्फ उठाते हुए बम बम बोले। अभी टूंगनाथ बहुत दूर है यहाँ से और यहाँ वाले मास्क पास्क लगाए हुए अंकित भाई, पूरे सिक्योरिटी के साथ ना। अंकित भाई बलिया वाले, अंकित भाई बलिया वाले, आलू पराठा सब्जी और ये चाय। ये बलिया वाले मैगी खाना है, बलिया वाले भैया बहुत मेहनत से खा रहे हैं। नाश्ता करते हुए गाइस हमने अभी कराया परोठे का बलिया वाले, यहाँ की स्पेशल डिशेस लगती हुई मैगी। मैगी नहीं, मैगी मैगी नहीं होती है, मैगी होती है मैगी। यह है मैगी हो हमारे सौरभ भैया मैगी खाते हुए। और ये देवप्रयाग चौकी के सामने इनका अंकल जी का ढाबा। गाइस यहाँ पर सामने थोड़ा सड़क का कार्य चल रहा है तो इसलिए रोक दिया गया है, पत्थर गिर रहे हैं शायद वहाँ पर। हाँ ये पुलिस वाले भैया खड़े हैं, इन्होंने रोक दिया है पूरे ट्रैफिक, पत्थर गिर रहे हैं। गाइस हमारे द्वार से लगभग 6 बजे चले थे और रुद्रप्रयाग हम 12 बजे पहुँच गए थे, लेकिन रुद्रप्रयाग पहुँच कर मौसम बहुत ख़राब था इसलिए कुछ सूट नहीं कर पाए। लेकिन हमने रुद्रप्रयाग पहुँच कर वहाँ से एक लोकल टैक्सी ले ली है चौपटा के लिए और उन्होंने पर हेड 500 रुपये चार्ज करा है। हम अब उसी में ऊपर चौपटा के लिए निकल चुके हैं और लगभग हम रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर दूर आ भी गए हैं। दोस्तों यहाँ आनकर थोड़ा सा मौसम साफ है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन नीचे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी सूट करने में इसलिए नहीं करा।
गुड इवनिंग गाइस, हम लोग हैं इस टाइम बनिया कुंड में जो चौपटा से लगभग 3 किलोमीटर पहले है। तो हमने यहीं पर रूम ले लिया था, सब लोग बहुत थक चुके थे तो आन के सो गए। लगभग हम यहाँ पे 5 बजे आ गए थे और ये रोशनी पड़ रही है। सौरभ भाई भी आंखों पर हाथ रखते हुए, और यहाँ सारे भाई सो रहे हैं। सुबह आपको दिखाते हैं यहाँ से यहाँ के नज़ारे, और यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे टुंगनाथ बाबा की। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस कल शाम करीब 5 बजे हम यहाँ पर आए थे, और थकान बहुत हो गई थी इसलिए शूट नहीं करा था। अब मेरी आँख खुली, सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा शूट करा जाए। और बहुत ही अमेजिंग मॉर्निंग है ये मेरे लिए, बल्कि हम सब भाइयों के लिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, सामने थोड़ी सी बर्फ़ गिरी थी रात, बाहर होटल वाले बता रहे थे। और गाइस इधर बादलों के पीछे छुपी हुई चौखंबा पहाड़ी, जो हो सकता है ऊपर से क्लियर दिखे, तो आपको दिखाएंगे ज़रूर, बहुत ही अमेजिंग व्यू। और ये यहाँ छोटे छोटे कैंप, और ये टीन के छोटे छोटे होटल के रूम, ऐसे होते हैं गाइस यहाँ पर। और हम भी ऐसे रूम में रुके हुए हैं, टीन का बना हुआ है, मैं उसकी बालकोनी में ही खड़ा हूँ जहाँ से सूट ले रहा हूँ, आपको आगे दिखा देंगे। ओके गाइस मिलते हैं अभी। गाइस होटल से व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है, और रहे सामने पहाड़। भाई व्यू बताओ क्या है यहाँ, बहुत बढ़िया मस्त नज़ारा है। जैसे आप देख रहे हो होटल के द्वारा का नज़ारा हमारे, मस्त है मस्त गाइस। और ये रहा हमारा टैंक, गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस बस ट्रैकिंग के लिए तैयार हैं, निकलने वाले हैं टुंगनाथ जी के दर्शन के लिए। यहाँ पर ये सब लोग अभी जरा सामान वामान पैक कर रहे हैं, अभी नाश्ता करेंगे बाहर जाके, वो फिर सीधा यहाँ से ट्रैकिंग करेंगे। गुड मॉर्निंग हाय, हमारा अंकुर भाई, सौरभ भाई, जानकी भाई, ऊपर के लिए निकलना है देखो भाई। चाय परोठे, ये हमारे सौरभ भाई शांत बैठे हैं इनके लिए। हाँ लाओ लाओ परोठे लाओ। तो ये चाय गरम गरम, बहुत ही टेस्टी गरम चाय का लुत्फ उठाएं। तो ट्रैकिंग का हिमालय लिए, वेलकम टू बनिया कुंड। दोस्तों इस टाइम 8700 फीट की ऊंचाई पर है। ये गाइस हमने नाश्ता कर लिया है, अब ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है। सूर्य होटल बनिया कुंड चौपाल टुंगनाथ। हाँ बिल्कुल भैया, और ये भैया जी हैं, यही होटल पे रहते हैं। भैया जी बना रहे हैं होटल बन, भैया जी गरम गरम परोठे बना रहे हैं। दोस्त आप तो बड़ा ही पता चलो ना। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीत नाम है भैया जी का। और दोस्तों चौकटा है, 3 किलोमीटर पहले है बनिया खाल, वहीं पर रुकना भैया। होटल देखता भी हूँ, और इसमें गाइस हम रुके थे, ये आपको दिख रहा है रेड रेड, क्या कहना है इसे, होटल कहना है क्या है, 3 का घर। सौरभ भाई नाश्ता करके आ रहा है हमारे, कैसा लगा आपको नाश्ता सौरभ भाई? पानी जम जाओ, ये हमारे भाई पानी भर रहे हैं। गाइस बनिया खाल में ये हनुमान जी का मंदिर है, बाबा का आशीर्वाद ले वो पर चलेंगे। बजरंग बली की जय हो, जय हनुमान भोले। और दोस्तों सामने इस होटल में रुकूंगा, सूर्य होटल है भैया का, बहुत अच्छी सर्विस है भैया की, रेट भी रिजनेबल है, ऑसम व्यू है, ऑसम व्यू है पीछे का, ऑसम। गाइस हमें ट्रैकिंग थोड़ी लंबी पड़ेगी क्योंकि हमने
रूम बहुत नीचे लिया था, पैसे नहीं लिए, रूम गाइस बहुत नीचे लिया था। टैक्सी यार ले लो, टैक्सी ले सकते हो, लेकिन यह है कि पैदल का एंजॉय कुछ और ही आता है। गाइस बनिया खाल से हमने पैदल ट्रैकिंग शुरू कर दी है, हमने टैक्सी नहीं ली है क्योंकि पैदल थोड़ा एंजॉय लेंगे आराम से। गाइस गाड़ी वाला वैसे हमें चौपटा छोड़ लाता, लेकिन हमने 3 किलोमीटर पहले ही रुक गए क्योंकि ऊपर चौपटा में भीड़ बहुत थी, रूम फुल हो गए थे। गाइस यहाँ ये वाटर का पाइप टूटा हुआ था, उसकी वजह से पानी निकला, माइनस में टेम्परेचर, बर्फ में जम। बम बम बोले, बहुत ही मतलब थोड़ा मुश्किल जरूर है गाइस, थोड़ा परेशानी है बट इंजॉय पूरा है। इस रास्ते का इंजॉय लें, और अगर आप चाहते हैं इंजॉय लेना ज़्यादा, ट्रैकिंग आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लोग। गाइस बनिया कुंड से लगभग चौकटा पहुँच चुके हैं, सामने आपको गाड़ी वाली खड़ी दिख रही है, चौकटा है, और ऊपर हमारे सौरभ भाई खड़े हैं। मेरी थोड़ी सांस फूल रही है क्योंकि ट्रैक जो है बहुत ही ज़्यादा खड़ा था। ये टुंगनाथ बाबा का यहाँ ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, सामने रोड बम बम बोले, मजा आ गया भाई। गाइस टुंगनाथ का ट्रैकिंग गेट, गाइस बम बम बोले, ये हमारे सौरभ भाई खड़े हैं। हेलो गाइस, चलो चलो आपको दिखाते हैं आगे का नजारा। चलिए फिर चलो फिर, अरे बम बम बोले। टुंगनाथ का पूरा सेटअप व्यू निकलता हुआ, बायोडाटा कैसे कैसे क्या है, इसका फोटो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस थोड़ी सी बर्फ ट्रैक के बीच में, इस बार बर्फबारी बहुत कम हुई है, उन लोग नीचे ही बचा रहे थे। गाइस सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सब भाई थोड़ा थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, ट्रैक काफ़ी खड़ा है तो बर्फ कम है इस बार, नहीं तो ट्रैक पर ही बर्फ होती है। नीचे बता रहे थे तो यहाँ के लोकल लोग हैं, मिलते हैं गाइस आगे। आपको बर्फ इससे ऊपर जाना है, फिर ट्रैक है, थोड़ा सा शॉर्टकट मारा था मगर उसमें ही फिट हो गया। बोले ना तो ये अपने लौंडे जा रहे हैं, थोड़े रेस्ट के बाद चला स्टार्ट। लौंडो मारा है हमने, ट्रैक उस पहाड़ के पीछे रह गया या वहाँ है ऊपर ट्रैक, और बाइक चलते हुए बहुत ऊंचाई पे जाना है, सब नीचे बोले बाबा ऊपर।
खतरनाक व्यू टॉप पे है दोस्तों, टॉप पे राइस जमीन हो रही है। मैं जल्दी दिखा रहा हूँ, मैं देखने की हिम्मत नहीं हो रही। टॉप पर है दोस्तों, टॉप पर मान लिया व्यू। हिमालय संकला सामने गाइस, हिमालय जी। सौरभ भाई आ रहा है हमारे। हेलो गाइस, बर्फबारी बहुत हो रही है और दो चार तो दब गए बर्फ के अंदर। क्या कहना चाहोगे सौरभ भाई? गाइस बहुत ऊपर है, सांस फूल रही है, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होती हुई। और अंकित भाई बलिया वाले नीचे खड़े हैं, वो दिखा रहे हैं दो नंबर आ रहा है। गाइस मैं सोच रहा हूँ एक कैंप अगर मिल जाए तो यहीं रहना आज रात को। बहुत ही अमेजिंग प्लेस गाइस, सामने का जो व्यू है ना वो कुछ देखने लायक है। थोड़ा सा भी साइड है जैसे यार गाइस, अगर एक बार गाइस खुशी के मारे आंसू निकल रहे हैं, यहाँ नहीं आए तो कुछ नहीं। हकीकत है कि भोले टॉप पे, भोले के भक्त टॉप पे। गाइस यार अगर गाइस यार यहाँ जरूर आना एक बार, तो बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही ठंड हो रही है अब, माइनस में टेम्परेचर, हाथ थोड़े सुन हो चुके हैं और सब भाई वीक हो चुके हैं। वो तो अच्छा था नीचे नाश्ता थोड़ा भारी कर लेते हैं, खाने का भी नहीं है कुछ। और ये बर्फ और वो आपको दिख रहा होगा मेरे बैक साइड में, ऊपर से ऊपर जा रहा है ना टुंगना टेम्पल। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। टुंगना टेम्पल बहुत जल्दी बाबा के चरणों में, मंदिर बंद है लेकिन दर्शन जरूर करेंगे, ताले तोड़ देंगे। हाँ यह हो आपको जबरदस्त जगह, जबरदस्त व्यू, कतई जहर कतई एंड। गाइस बिल्कुल मंदिर के किनारे आ गए, बिल्कुल आखिरी पड़ाव, और इसके बाद चंचला की ट्रैक करेंगे। ये आपको दिखाएंगे मेरे पीछे मंदिर, ये आपको जो टीम दिख रही है ये मंदिर मेरे पीछे। बम बम भोले हर महादेव। ओए होए क्या नज़ारे हैं दोस्तों। गाइस ये बहुत सही बात है, टावर आ जाते हैं। हाँ नेटवर्क है यहाँ पर, नेटवर्क है, कॉलिंग तो है नीचे, थोड़ी वीडियो कॉलिंग भी है। और ये टूनाथ बाबा का मंदिर का गेट ठीक है। गाइस टूनाथ गेट खींचने भी तो ना आया भाई, फोटो खिंचवाना घंटा पकड़ के। और ये टूनाथ मंदिर बम बम भोले, अलग ही नज़ारा। मंदिर बंद है बट दर्शन जरूर होंगे नीचे। सौरभ भाई भाई लोग पहुंच चुके हैं यहाँ तक अपनी जर्नी थी, अब यहाँ से आ गए चंद्रशिला, आगे चंद्रशिला का ट्रैक है। बहुत सही बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, जयकारा वीर बजरंगी हर महादेव। बम बम भोले हर हर भोले। दोस्तों जब तक यहाँ नहीं आए थे बहुत थकन थी, बहुत थकावट थी, लेकिन यहाँ के नज़ारे देख के और बाबा के दर्शन मंदिर के करके सारी थकान सारी थकावट दूर हो गई। ना तो अब ठंड लग रही है, बस दिल में खुशी है
कि बाबा के दर्शन हो गए। हर हर महादेव। जो नज़ारे हैं दोस्तों यहाँ के बहुत ही खूबसूरत हैं, आप यहाँ ज़रूर आना, एक बार ज़रूर देखिए। जोड़ो, माफी मांगो, बात खत्म। आइस भैरव बाबा टेम्पल, हर हर महादेव। सुनने बिल्कुल आइस, बिल्कुल प्यार महादेव, हर हर महादेव। आइस बताएं आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं आप मुझे जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला व्यू ब्लॉग आपको मिलेगा टुंगनाथ से चंद्रशिला का। मैं सोच तो रहा था इसमें ऐड कर दूं, लेकिन गाइस ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, वैसे भी 23-24 मिनट की वीडियो हो गई है। गाइस एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। जितनी भी थकन थी सब उतर गई। हर हर महादेव।